गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी पाठमाला के पाठ चार शीर्षक पॉम और टॉम की मित्रता। आज के चैप्टर में मित्रता के विषय में बताया गया है। इसका शीर्षक जो है वो मित्रता के विषय पर है और इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि हमें हमारे जीवन में मित्र कैसा होना चाहिए या हमें मित्र कैसे बनाने चाहिए, ये इस पाठ के द्वारा हम समझेंगे। आइए जानते हैं इस पाठ में क्या कहानी दी गई है। देखिए, पॉम और टॉम बहुत अच्छे मित्र थे। उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने एक रोमांचक यात्रा पर जाने का विचार किया। रोमांचक का मतलब होता है मज़ेदार या आनंद से रहित। पॉम ने अपना बैग जमाया का मतलब पैक किया बैग को अपने, और जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में टॉम भी उसे मिल गया। पॉम और टॉम ने नदी किनारे अपना टेंट खड़ा किया। टेंट होता वो है जो तंबू होते हैं, उन्हें टेंट कहते हैं। पॉम ने दो पेड़ों के बीच एक झूला बांधा और उस पर लेट कर किताब पढ़ने लगा। अचानक ही पॉम ने काफ़ी नज़दीक से आ रहे भालू की आवाज़ सुनी। नज़दीक मतलब पास। आवाज़ सुनते ही वह डर गया और झूले से नीचे गिर गया। आवाज़ सुनकर टॉम भी टेंट से बाहर आ गया। दोनों घबराकर अपनी जान बचाकर भागने लगे। घबराने का मतलब होता है डरना। अचानक पॉम गिर गया तो उसने टॉम को मदद के लिए पुकारा, किंतु टॉम उसे अनसुना कर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जब भालू पॉम के पास पहुंचा तो पॉम ने सांस रोककर मरा होने का नाटक किया। भालू मरा हुआ शिकार नहीं खाता। भालू ने पॉम को मरा समझकर छोड़ दिया और चल दिया। टॉम ने पेड़ की टहनी पर बैठकर यह नज़ारा देखा, मतलब कि दृश्य। टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास का मतलब होता है महसूस होना। उसने अपने घुटनों पर बैठकर पॉम से माफ़ी मांगी। पॉम ने कहा, एक मित्र जो समय पर काम ना आए वह सच्चा मित्र नहीं। ऐसा कहकर पॉम अपना बैग लेकर चल दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट के समय प्रेम दिखाते हैं और अपने मित्र की सहायता करते हैं। वह मित्र जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। हमें कभी भी अपने मित्र की या अपने जानने वालों की हमेशा मदद करनी चाहिए। थैंक यू क्लास। एक बार आप ये सार पूरा चैप्टर रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक ये मॉरल स्टोरी है, आप इससे सीखेंगे, और कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।